हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वर्षा और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम फलाफल बनाएंगे। फलाफल एक मिड ईस्टर्न डिश है और ये ओरिजिनेट हुआ इजिप्ट से। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फलाफल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है चिकपीस, ये चने हैं, छोले वाले चने, इसे मैंने पूरे रात भर पानी में भिगो दिया है और सुबह इसको दो पानी से धो के पानी पूरा निकाल दें। अब मैं इसे एक ब्लेंडिंग जार में डालूंगी। आप ब्लेंडिंग जार की जगह पे फूड प्रोसेसर भी यूज कर सकते हैं, मैंने ब्लेंडिंग जार यूज किया है। अब इसमें डालेंगे एक प्याज चॉप किया हुआ, एक लहसुन के बंच को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। एक पूरा बंच धनिए का मैंने लिया है सिलेंट्रो, इसे भी डाल देंगे। आप इसके जगह पे पार्सली भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डालेंगे दो फाइनली चॉप की हुई ग्रीन मिर्ची, एक नींबू का रस, ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट, मिर्ची आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूंगी मैं इसमें। अब लास्ट इंग्रेडिएंट है मैदा, दो चम्मच मैदा मैं यहाँ पे डालूंगी ताकि ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा। बस अब मैं इसे थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। इस पानी हमको बिल्कुल यूज नहीं करना है इसमें, बस इसे चॉप करें, पूरा पेस्ट ना करें। इस तरीके से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ऐसे ग्राइंड कर लें, पूरा पेस्ट ना करें इसका। बस अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। बस अब ये बैटर को हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि सारे स्पाइसेस आपस में अच्छे से मिल जाएंगे और इसके बाद हम इसके फलाफल बनाएंगे। 2 घंटे बाद मैंने मिक्सर को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है। अब हम इसके फलाफल बनाते हैं। तेल अच्छा गर्म हो गया, बस हम एक एक करके इसको इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके बॉल्स नहीं बन रहे तो आप मैदा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। बस ऐसे राउंड्स बॉल बनाते हुए डाल देंगे। गैस को लो कर दें। दोनों तरफ से पलटते हुए हम इसे ब्राउन कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छा कलर आ रहा है। दोनों तरफ से पलटते हुए मैंने इन्हें सेक लिया है। चार से पांच मिनट तक आप इन्हें फ्राई करें, बाहर से बहुत क्रिस्पी होंगे और अंदर से थोड़े नरम भी होंगे। बस अब मैं इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेती हूँ।
देखिए बहुत ही टेस्टी फलाफल बनकर रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।